गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 पॉपुलर बिलीव्स एंड रिलीजियस डिबेट्स। हेयर इज़ द सिक्स्थ वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इन दिस वीडियो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द विमेन भक्ति सेंट्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट विमेन भक्ति saints. After that we will discuss about Guru Nanak let's start the topic. हमने बेटा पीछे भी जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, अलग अलग भक्ति मूवमेंट्स को जो स्प्रेड आउट करने वाले जितने भी गुरु रहे या महात्मा रहे, हमने उस टाइम पर भी देखा कि कई सारी ऐसी लेडीज़ रहीं, विमेन भक्ति सेंट्स रहीं, जिन्होंने अलग अलग भक्ति मूवमेंट्स को लेड भी किया और उसकी मेंबर भी रही, और जिन्होंने जो कास्ट सिस्टम का एक विमेन डिस्क्रिमिनेशन का जो एक आइडिया था उसे ब्रेक भी किया। इसी के साथ बेटा हमारे पास कुछ ऐसी फीमेल भक्ति सेंट्स या विमेन भक्ति सेंट्स भी हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वी विल स्टडी द थ्री नेम्स ऑफ द डिफरेंट विमेन जो कि जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को अपना इन्वॉल्वमेंट दिया। मैनी विमेन वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द भक्ति मूवमेंट। कई विमेन भक्ति मूवमेंट के अंदर अपना अपना इन्वॉल्वमेंट देती रहीं। दे वुड एक्सप्रेस देयर डिवोशन, वो अपने डिवोशन को एक्सप्रेस करती थी, और उनके डिवोशन को एक्सप्रेस करने का जो ज़्यादातर तरीका हम लोग आगे देखते हैं वो क्या है, वो खुद भजन लिखा करती थी, हाइम्स लिखा करती थी, कविताएं लिखा करती थी, जो कि सारी की सारी गॉड को डिवोटेड होती थी या गॉड को प्रेस करते हुए वो सब चीज़ें लिखा करती थी। दे वुड एक्सप्रेस देयर डिवोशन थ्रू द सॉन्ग्स रिटन इन द प्रेज ऑफ गॉड एंड द जनाबाई हु लिव्ड ड्यूरिंग द 14th century वॉज अ पुअर सेंट फ्रॉम द महाराष्ट्र। जनाबाई जो कि महाराष्ट्र से हैं, 14th century के अंदर उनको देखा गया या उस टाइम पीरियड पर उनका एक अलग इमेज सामने आया, एंड शी वॉज वेरी डिवोटी टूवर्ड्स दी विठोबा एंड कंपोज्ड अ नंबर ऑफ भजन्स इन हिज ऑनर। यानी कि उन्होंने भजन्स को बनाया, सॉन्ग्स को लिखा जो कि भगवान जी को प्रेस करते हुए बनाए गए थे। द सेंट पोएट गंगा सती, ये सेकेंड पोएट है बेटा, रोट भजन्स इन गुजराती, गुजराती में उन्होंने भजन्स लिखे, एंड विच वर एम्ड एट टीचिंग हर डॉटर इन लॉ पन्नाबाई। यानी कि उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ को गॉड के टूवर्ड्स एक अलग इमेज दिखाने के लिए उन्होंने कई भजन लिखे गुजराती में जो कि आज भी फेमस हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा मीराबाई की। मीराबाई के नाम से हम सब लोग परिचित हैं और हम सब लोग उनके बारे में जानते हैं। मीराबाई बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवार, राजस्थान में मेवार है बेटा, वहाँ की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, एंड शी वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मीरा स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम इन द डिवोशन ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, वो अपना ज़्यादातर समय लॉर्ड कृष्णा के डिवोशन में लगाया करती थी या स्पेंड किया करती थी, एंड उन्होंने जो लॉर्ड कृष्णा के नाम पर जो भजन लिखे या जो गाए वो सारे के सारे आज के टाइम पीरियड पर भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं और हमें कई बार सुनने को मिल जाते हैं। और कई लोगों ने मीराबाई और गॉड और लॉर्ड कृष्णा का जो एक रिलेशन है, जो एक प्योर रिलेशन है, उसको भी सेंटर में रख के कई सारे ऐसे भजन लिखे जो कि आज भी हम लोग सुनते हैं। हमने बेटा जब विमेन सेंट की बात की तो हमने तीन सेंट्स के बारे में देखा। सबसे पहले हमने बात की आपके जनाबाई के बारे में महाराष्ट्र से, इसके बाद हमने बात की गंगा सती गुजरात से, एंड लास्ट हमने बात की मीराबाई के बारे में जो कि राजस्थान मेवाड़ से थी। तो हमने तीन अलग अलग फीमेल भक्ति सेंट्स के बारे में बात की सेपरेटली, और उससे पहले हम लोग कई विमेन सेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं अलवर और नयनार के टाइम पीरियड पर,
ठीक है, जो कि ट्रूली डिवोटी रही हैं शिव जी की, विष्णु जी की, जो कि उनकी टीम के साथ भक्ति मूवमेंट को उन्होंने लॉन्च किया, और अलग अलग जगहों पर जो मठ बनाए गए थे वहाँ पर भी अपने गॉड को मानने के लिए, जो उनका एक स्पिरिट है, जो उनका एक प्रीच करने का जो तरीका था, उसको वाइड स्प्रेड किया। नेक्स्ट बेटा हम लोग गुरु नानक देव जी के बारे में बात करेंगे। गुरु नानक वॉज बॉर्न इन 1469 CE इन द तलवंडी विच इज़ नाउ इन पंजाब, नानका साहिब के नाम से आज के टाइम पर पाकिस्तान में लोकेटेड है। पहले उसे तलवंडी के नाम, मतलब तलवंडी नाम है जो कि नानका साहिब के अंदर पाकिस्तान में जगह लोकेटेड है। सिंस हिज चाइल्डहुड गुरु नानक वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजियस एंड स्परिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ एंड देयर फॉर स्पेंड हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ रिलीजियस एंड द स्परिचुअल लीडर्स। बचपन से ही उनको रिलीजन के बारे में जानना या उनके अंदर उनके बहुत इंटरेस्ट रहता था, और छोटी उम्र से ही उन्होंने इन सब लोगों के साथ रहना बैठना या बात करना शुरू किया जिनका इस तरीके, मतलब अपनी आइडियोलॉजी वाले लोगों के साथ उन्होंने बैठना उठना शुरू किया। एंड गुरु नानक रिजेक्टेड जो एक रिचुअलिज्म है, यानी कि आप जो धर्म और परंपरा के नाम पर जो बहुत ज़्यादा रिजिड होकर काम करते हैं, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट वॉइस रेस किया और उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। बेसिकली कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने रिजेक्शन दिखाया कि कास्ट सिस्टम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एंड ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सत्संग। सत्संग क्या है? कुछ लोग इकट्ठे होके गॉड के प्रति अपना डिवोशन दिखाते हैं, जैसे कि भजन है, कीर्तन है, ऐसे ही सत्संग वर्ड यूज़ किया जाता है सिख रिलीजन के अंदर। एंड ही बिलीव्ड दैट ऑल पीपल वर इक्वल, उन्होंने ये माना कि जितने भी लोग हैं सभी के सभी बराबर हैं। एंड गुरु नानक एम्फसाइज्ड ऑन द रोल ऑफ गुरु एंड दैट अ गुरु वॉज अ राइट वे टू अप्रोच द गॉड। वो कहते हैं कि उन्होंने गुरु के रोल को बहुत अहम माना, और गुरु ही एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि हमें एक सही तरीका या सही पाथ दिखाते हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग गॉड की तरफ अप्रोच कर पाते हैं। गुरु नानक देव जी वेलकम्ड विमेन इन हिज सेक्ट, यानी कि जो अपने सेक्शन में, सेक्ट का मतलब बेटा यहाँ पे अपने ग्रुप कह सकते हो, टीम कह सकते हो, जिनके अंदर उन्होंने फीमेल को भी वेलकम किया। एंड अलाउड देम टू अटेंड हिज सेरमेंस, यानी कि अपने जो उपदेश हैं, प्लीज इसका मतलब लिख ले, उनके जो उनके वर्डिक्ट्स हैं, जो वो बातें कहते थे, अपने उपदेशों के अंदर फीमेल्स को भी एंटर करना, उन्हें सुनना अलाउ किया गया। नॉर्मली ऐसा अलाउड नहीं होता था, तो ये चीज़ उन्होंने अलाउ की। ही डिस्करेज द प्रैक्टिस ऑफ पर्दा एंड कंडेनमेंट ऑफ द सती। पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने वॉइस रेस की, और जो सती प्रथा इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस थी उसके अगेंस्ट भी उन्होंने वॉइस रेस की। गुरु नानक टीचिंग लेड द फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म। सिखिज्म का मतलब उनके उपदेशों से, उनके रिलीजियस जो एक आइडिया था, उस स्पिरिचुअल जो एक्सपेक्ट उन्होंने दिया, सत्संग का जो पॉलिसी निकाला, या जो उनके अलग अलग अप्रोच था गॉड की तरफ बढ़ने का या गॉड की तरफ शुरुआत करने का, उस आइडिया को एक न्यू फाउंडेशन रखा गया सिख धर्म के लिए, सिखिज्म के लिए। ही वॉज द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरु एंड द वर्ड सिख वॉज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत एंड शिष्य मीनिंग, लाइक जो डिसिप्लिन एक शिष्य का आता है, वो चीज़ उन्होंने शुरू की। एंड गुरु नानक के जो टीचिंग से बेटा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, जो उनकी एक पवित्र बुक है, उसके अंदर उनको लिखा गया है ताकि उनकी बातों को और ज़्यादा वाइड स्प्रेड किया जा सके, जाना जा सके, उनकी जो टीचिंग्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर फैलाया जा सके, जो पॉजिटिव बातें वो बताते हैं वो लोगों को बताई जा सके। हम लोग बेटा गुरु नानक देव जी के बारे में अभी हमने देखा, उनके आइडियाज़ देखे, वो किस तरीके से काम करते थे, हमने उनके बारे में देखा दैट कि वो स्पेसिफिकली जो एक रिजिड रिचुअल सिस्टम है उन्होंने उसके अगेंस्ट वॉइस रेस किया, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने वॉइस रेस किया, उन्होंने जो पर्दा सिस्टम है उसके अगेंस्ट वॉइस रेस किया, सती प्रथा के अगेंस्ट वॉइस रेस किया, उन्होंने सत्संग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, और स्पेसिफिकली उन्होंने एक चीज़ कही कि सभी लोग बराबर होते हैं, और उन्होंने कहा कि गुरु का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा अहम है, और
गुरु के गुरु का काम है एक पाथ दिखाना, गुरु का काम है एक सही राह दिखाना जिसकी हेल्प से गॉड को अप्रोच किया जा सकता है। तो दिस वाज गुरु नानक जीज टीचिंग। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हमारे हम लास्ट टॉपिक सूफी मूवमेंट के बारे में बात करेंगे।